हरे कृष्णा। इस्कॉन कानपुर की तरफ से आयोजित 21 दिवसीय इस कृष्ण कथा की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हम आज चर्चा करने जा रहे हैं भगवान कृष्ण ने किस तरह से त्रिणावर का उद्धार किया है। भगवान कृष्ण की लीला बड़ी मधुर है और बड़ी ही आवश्यक है हम सबके लिए। शास्त्र में वर्णन आता है श्रीमद् भागवत महापुराण में, शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ह्य भद्राणी विधुनोति सृहत्सताम। शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तन। हमारे जीवन में अगर हम भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं तो हमें पुण्य अर्जित हो जाता है। कौन सा पुण्य? श्रवण कीर्तन। ये पुण्य साधारण पुण्य से बड़ा अलग है और ये शाश्वत है। आमतौर पर हम जो पुण्य करते हैं उस पुण्य से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, कुछ लाभ प्राप्त होगा, लेकिन वो नश्वर होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण की कथा सुनने से हमें भगवान का नित्य स्मरण और भगवत धाम की प्राप्ति होती है। हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विधुनोति सुहृत सताम। और हृदय के सभी अभद्र वो धोकर विधुनोति सुहृत सताम, धोकर निकल जाते हैं। और वास्तव में इस दुनिया में सभी समस्याओं का जड़ ही यही है, हमारे हृदय का कलमश। हमारे गुरु महाराज एक बार ट्रैवल कर रहे थे और वो मिले थे हमारे पर्यावरण मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द एनवायरमेंटल मिनिस्टर। और उन्होंने देखा कि साधु महात्मा है, जाकर मिलना चाहिए, कुछ चर्चा करनी चाहिए। तो उन्होंने आकर पूछा उनको कि स्वामी जी, मैं एनवायरमेंटल मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूँ और हमारा ये कार्य होता है, हमने इस तरह से प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं, पूरे दुनिया का पर्यावरण जो है अच्छा बनाने के लिए हमने ये इनिशिएटिव्स गतिविधियाँ शुरुआत की है। और विनम्रता से जब चर्चा कर रहे थे, उन्होंने महाराज जी को पूछा, आप क्या करते हैं स्वामी जी? तो महाराज ने उनको कहा कि हम भी पर्यावरण के ही साफ सफाई में लगे हुए हैं। फर्क यह है कि आप पूरे देश के लिए कर रहे हो और हम हमारे हृदय के पर्यावरण को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो हृदय में बैठे हुए काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, इन सब के कारण हर एक व्यक्ति जो है बड़ा पीड़ित है, कभी क्रोध के शिकार से, कभी काम के शिकार से। और उसी कारण हम देखते हैं इतने सारे समस्याएं पूरी दुनिया में, ये केवल हृदय की मलिनता जो बाहर प्रकट हो रही है अपने कृत्यों के माध्यम से। तो कृष्ण कथा क्या करती है? विधुनोति सुहृत सताम, धो डालती है पूरे कलमशों को। तो इसलिए भगवान कृष्ण के लीलाओं के बारे में सुनना, उनका श्रवण करना, उनका कीर्तन करना बड़ा ही महत्वपूर्ण है हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए। आने वाले कुछ दिनों में जन्माष्टमी है और हम सब जन्माष्टमी की तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फिर भी भक्त लोग बड़े उत्साह के साथ में ऑनलाइन जन्माष्टमी मना रहे हैं। और आप सब भी इसमें भी पूरी तरह से सम्मिलित होकर अपनी चेतना को भगवान कृष्ण के चरण कमलों में स्थापित करने का प्रयास में हम सब लगे हुए हैं। तो आइए आज सुनते हैं भगवान कृष्ण ने किस तरह तृणावर्त का उद्धार किया। एक समय की बात है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि यशोदा माता कृष्ण को बड़ी दुलार रही थी प्रेम से। हम सबको पता है बच्चों को जब माताएं बड़े प्रेम से जब दुलारती है तो उनको उछालती है, फेंकती है, और जितना उसको माता के स्नेह के कारण बच्चों को जितना ऊपर फेंकते बच्चा उतना खुश हो जाता है, हंसता है, और माता भी उतनी खुश होती है। तो इस तरह से परम पुरुषोत्तम भगवान जो कृष्ण के छोटे बालक के रूप में वहाँ पर अवतरित हुए थे, यशोदा माधव को आनंद प्रदान कर रहे थे अपनी बाल्य लीलाओं के माध्यम से। उस समय में भगवान कृष्ण के मन में इच्छा आई कि मैं इतना ऊपर चला जाऊं तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और ठीक उसी समय जब भगवान कृष्ण के मन में इच्छा प्रकट हुई, कंस
जो भगवान कृष्ण के मामा थे, उन्होंने अपना और एक असुर भगवान कृष्ण को नष्ट करने के लिए भेजे थे और उसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त बड़ा शक्तिशाली असुर था और ये मन चाहे स्वरूप प्राप्त कर सकता था। तो यहाँ पर वो एक चक्रवात के तौर पर आया। जब यशोदा माता कृष्ण भगवान को दुलार रही थी, तो उस समय जब उनके मन में ये इच्छा आई कृष्ण भगवान को मुझे बहुत ऊपर जाना है, उसी समय भगवान का जो वजन है, वेट है, बहुत हेवी हो गया था। तो यशोदा माता, जिनका बच्चा एकदम छोटा सा, नन्ना सा, हल्का सा था, वो तुरंत ही जो है बड़ा भारी हो गया और इतना भारी मान लो पर्वत के समान। तो यशोदा माता इनका भार सहन नहीं कर पा रही थी, तो इसलिए माता ने उनको ज़मीन पर रखा और सोचा कि मैं जाकर कुछ घर कार्य कर पर पुनः वापस आकर भगवान कृष्ण को देखूंगी। तो उतने समय में जब भगवान को उन्होंने बाहर रखा और यशोदा माता अंदर गई, उसी समय तृणावर्त का वहाँ पर प्रवेश हुआ। और जब तृणावर्त का प्रवेश हुआ तो पूरे ब्रज में, पूरे गोकुल वृंदावन में पूरी तरह से अंधेरा छा गया था और धूलि के कण बहुत इधर उधर हो रहे थे, तो व्यक्ति एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। और तृणावर्त भगवान कृष्ण को हवा के झोंकों के साथ, चक्रवात के साथ में उठा कर लेके गए ऊपर। भगवान कृष्ण ये अपने एक कार्य में बहुत सारे उद्देश्य संपन्न कर लेते हैं। शास्त्र में वर्णन आता है कि स्वर्ग की देवियां भी भगवान का दर्शन करने के लिए लालायित थी और भगवान इसको एक सुनहरा अवसर मान लो, या भगवान की ही कृपा या अरेंजमेंट मान लो, इस तरह से देखते हुए भगवान भी दर्शन देने के लिए वे अपहाय गए। हजारों लाखों मील तक ऊपर भगवान हवा में गए, तृणावर्त उनको लेकर लेके गया ऊपर। और जब वो वहाँ पर स्वर्ग में स्तर तक पहुँचे तो सभी देवियों ने भगवान कृष्ण का सुंदर दर्शन किया वहाँ पर। और उसके बाद में जब तृणावर्त ऊपर जा रहा था तो कुछ लग नहीं रहा था, बड़े आसानी से और बड़े वेग के साथ में उसने वो कार्य किया। लेकिन साथ साथ में भगवान कृष्ण, जिन्होंने देखा कि हमारी पूरी राइड हो चुकी है, अभी वापस नीचे जाना है, तो भगवान ने तुरंत जो है छोटे बच्चे ने जैसे गला पकड़ लेते कभी, इस तरह से तृणावर्त का गला पकड़ लिया। और तृणावर्त जो बहुत बड़ा शक्तिशाली असुर था, वह असुर जो है पूरी तरह से स्वयं को अस्वस्थ महसूस कर रहा था। और उसी समय जो है भगवान कृष्ण ने अपना वजन भारी करना चालू कर दिया। भगवान इतने भारी हो गए कि तृणावर्त उनको झेल नहीं पा रहा था। जिन कृष्ण भगवान को उन्होंने बड़ी सहजता के साथ में हवा में ऊपर लेके गए थे, उतनी ही शक्ति से, उतनी से जब बहुत ज़्यादा शक्ति से वो प्रयास कर रहे थे उनको कैसे तो भी संभालने का, लेकिन भगवान का जो भार है इतना ज़्यादा हो गया कि वो संभल नहीं पाए। और उसके फलस्वरूप क्या हुआ, तृणावर्त स्वयं को संभाल नहीं पा रहे थे और तुरंत नीचे गिर पड़ रहे थे। और ऐसा वर्णन आता है कि जहाँ से भगवान को उन्होंने वहाँ ऊपर उठाया था, हजारों लाखों मील ऊपर जाने के बाद भगवान ठीक वहीं पर वापस आए। देखिए भगवान की क्या एक्यूरेसी है, फ्लाइट। इतना ऊपर जाने के बाद वही लैंड करने के लिए वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन भगवान बड़े परफेक्ट है, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। तो भगवान ने वहाँ पर जब आए और वहाँ पर उनका उद्धार कर दिया भगवान ने, जैसे तृणावर्त गिर पड़े नीचे, तो वहाँ पर पूरी तरह से वो अपना प्राण त्याग चुके थे और कृष्ण भगवान उनके छाती पर खेल रहे थे वहाँ पर। तो उसी समय सभी गोपियाँ भागते दौड़ते हुए आई। गोपियों के लिए, ब्रजवासियों के लिए कृष्ण अपने प्राण हैं, कृष्ण उनके प्राण धन हैं।
जब भी कुछ कार्य होता है, जब भी कुछ समस्या आती है, तो वो तुरंत जो है कृष्ण का स्मरण करते हैं। एक तो उनके स्नेह के कारण, उनके अफेक्शन अटैचमेंट के कारण, और दूसरा कभी उनको समस्या में क्या सुझाव, क्या सोल्यूशन मिल सकता है, इसलिए भी वो भगवान कृष्ण का ही आश्रय लेते हैं। जिस तरह से हम हमारे जीवन में देखा जाए तो हम देखते हैं कोई जो प्रिय चीज़ होती है, प्रिय वस्तु होती है, उसको अगर खोने की संभावना हो तो हम तुरंत जो है उसको संभल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप भीड़ भाड़ में चले गए तो तुरंत क्या करेंगे, अपने पर्स जेब में ठीक से है या नहीं, अपना मोबाइल पैर जेब में ठीक से है या नहीं देख लेंगे, क्योंकि वो बड़ी प्रिय वस्तु है और उसकी खोने की आशा हो सकती है, आशंका हो सकती है। तो ऐसे ही जब भी कोई बड़ी समस्या होती थी तो ब्रजवासी हर कोई व्यक्ति, चाहे गोपा गोपी, गोए गायें बछड़े, सब जन कृष्ण के बारे में सोचते थे। तो जब भगवान कृष्ण ऊपर चले गए थे तो उस समय पूरे ब्रज में हाहाकार हो गया था कि कृष्ण कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हैं। यशोदा माई भगवान कृष्ण को देखने आई थी लेकिन देख नहीं पा रही थी, इतना वहाँ पर धूल और अंधेरा था, उसके कारण यशोदा माई बिल्कुल उनको देख नहीं पा रही थी। और इसके चलते हुए बड़े वो दुखी थे और असमंजस होकर घूम रहे थे, फिर रहे थे, भगवान कृष्ण को ढूंढ रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने जब देखा कि तृणावर्त ऊपर से नीचे आकर गिर पड़ा है और भगवान कृष्ण वहाँ पर सुरक्षित है, तो तुरंत न डरते हुए कि ये राक्षस है या क्या है, गोपियाँ तुरंत दौड़ पड़ी और भगवान कृष्ण को वहाँ से उठा ली। तो ये ब्रजवासियों का बड़ा अनन्य प्रेम भगवान कृष्ण के लिए। और जैसे ही गोपियों ने भगवान कृष्ण को उठा लिए तो तुरंत जो है भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करने लग गई और उनको इतने बड़े संकट से भगवान नारायण ने बचाया, इसलिए वो भगवान नारायण को बड़े धन्यवाद दे रही थी। भगवान नारायण जो है नंद बाबा के इष्ट देव थे और सभी गोपियाँ सोचने लगी कि ये यशोदा आप ऐसे कार्य कैसे कर सकते हो। हालांकि यशोदा माई रानी थी लेकिन बाकी भी गोपियों का इतना ज़्यादा स्नेह था कि आपने कृष्ण को केयरलेसली इस तरह से कैसे छोड़ दिया है इतना बड़ा चक्रवात के अंदर। ये देखते हुए बाकी गोपियाँ भी यशोदा को बोलने लगी कि यशोदे आप कृष्ण को ठीक से संभाल नहीं पाते हो, आप ऐसे कैसे छोड़ दिए कृष्ण को। और यशोदा माता भी समझ रही थी कि वे हालांकि रानी हैं लेकिन उतनी ही प्रेम से बाकी सब जो है गोपियाँ भगवान कृष्ण को भी चाहती थी, उनके प्रति अपना स्नेह व्यक्त कर रही थी। तो ये बड़ी सुंदर कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। यहाँ पर इसका कुछ शिक्षाएं हम हमारे जीवन में सीख सकते हैं। जैसे बताते हैं कि भगवान कृष्ण तृणावर्त का जो उद्धार किए, ये उसी तरह है जिस तरह से एक व्यक्ति को अपने भौतिक शिक्षाओं का बड़ा गर्व होता है, प्राइड ऑफ मटेरियलिस्टिक स्कॉलरशिप। जब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ें ज़्यादा जान लेते हैं तो गर्व आ जाता है और गर्व के कारण हमारा व्यवहार, जो स्वाभाविक तरह से भगवान कृष्ण की सेवा करना है, उसको भूल जाते हैं। और वास्तव में देखते हैं व्यवहारिक जीवन में भी काफ़ी लोग अपने ड्यूटी को, अपने कर्तव्य को भी ठीक से कर नहीं पाते हैं जब उनको गर्व आता है किसी चीज़ का। तो हमें भी बड़ा सतर्क होना चाहिए। हम हमारे व्यवहारिक जीवन में किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उससे हमें गर्व नहीं होना चाहिए, और विशेष करके जब हम आध्यात्मिक जगत में भगवान कृष्ण या उनके लीलाओं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं तो उस समय में हमको बड़ा सतर्क होना चाहिए कि शास्त्रों का सार जो है वो हृदय की विनम्रता महसूस करने के लिए है या उसको प्रकट करने के लिए है। विद्या विनयन शोभते, तो जो पेड़ होते हैं उनको बहुत अच्छे भरे रसीले फल आते हैं वो नीचे झुकते हैं। तो ऐसे ही जब किसी व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार होता है तो बड़ा विनम्र होता है। तो हमको भी श्रीमद् भागवतम, भगवद्गीता और अन्य कोई भी अध्ययन से गर्व प्राप्त नहीं करना चाहिए। कुंती महारानी बताती है कि अपने जीवन में जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मध पुमान नैवाहर्त्य विधातुम्बे त्वामकिंचन गोचर।
तो जिनके पास में इसका अहंकार होता है, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, वो भगवान को हृदय से पुकार नहीं सकते हैं। तो वो उसी प्रकार है, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर पानी में डूब रहा है और उसके ऊपर बहुत बड़ा एक ताज है, क्राउन है, तो क्राउन क्या फ़ायदा, क्राउन के भार से वो नीचे और डूबता ही जा रहा है। तो भौतिक जगत में ऐसे ही हर व्यक्ति बड़ा पीड़ित है, समस्या से घेरा हुआ है, और उनके ऊपर अगर वो गर्वित हो जाए अपने ही अनर्थों के कारण, तो उसका क्या क्या गति होगी उस ऐसे व्यक्ति की। साथ साथ में भक्तगण हमें ये भी बताते हैं लीलाओं में से कि जब तृणावर्त वृंदावन में आया था, गोकुल में आया था, तो उन्होंने सभी गोप और गोपियों के बीच में एक अंधकार फैलाया था, जिसके कारण वो लोग कृष्ण को देख नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी जब उनको ऊपर लेके गए तब उनका गला पकड़ लिया, और उस समय वो भी कुछ देख नहीं पा रहे थे। तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों से बड़े प्रेम करते हैं, स्नेह करते हैं, उनके साथ में अगर कोई गलत तरह से व्यवहार करता है तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बहुत सारी कथाएं आती है श्रीमद् भागवत महापुराण में, किस तरह से अम्बरीश महाराज को दुर्वासा मुनि ने अपमानित किया था या अपराधित किया था, उसके चलते हुए भगवान स्वयं उनको बोले थे, दुर्वास मुनि को, कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अब मैं मेरे भक्तों के अधीन हूँ पूरी तरह से, जब आप मेरे भक्तों से क्षमा प्राप्त करोगे तभी मैं आपको क्षमा कर सकता हूँ, या सुदर्शन आपको क्षमा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको भी हमारे जीवन में समझना चाहिए कि हमको भक्तों के साथ बड़ा अच्छे से, भक्तों ही क्यों, सभी व्यक्तियों के साथ बड़ा अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, और भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। भगवान का नाम अगर स्मरण करेंगे और सभी से मैत्री और सौहार्दपूर्ण व्यवहार करेंगे, तो इस भौतिक जगत से छुटकर भगवत धाम वापस जाने की हम तैयारी कर सकते हैं। आने वाले जन्माष्टमी आप सबको बहुत बहुत सुख, शांति और भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली हो, ऐसी हम मनोकामना के साथ में आज की कथा को विराम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। आज ही सब्सक्राइब करें।